लिमरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मुंबई पुलिस ने 7,000 व्हीकल्स जब्त किए हैं। बहुत लोग की गाड़ी जब्त हो रही है, जहाँ पे 2 किलोमीटर का रेडियस का कानून था, तो कानून का उल्लंघन करने पर जो तो मिसयूज़ कर रहा है उसका गाड़ी जब्त हो रहा है। गाड़ी ये लोग नाकाबंदी लगा रहे हैं, नाकाबंदी से गाड़ी उठा रहे हैं, इसमें कुछ पब्लिक भी परेशान है। मार्शल लॉकडाउन, मुंबई पुलिस सीज 7,000 व्हीकल्स और फ्लोटिंग 2 किलोमीटर रेडियस रूल। ये रूल बनने पे गाड़ी जब्त हो रही है। ये COVID-19 के लिए 31 जुलाई तक का ये एक्सटेंशन, ये लॉकडाउन को एक्सटेंशन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक है वो सुनने को तैयार नहीं है, उसके वजह से गाड़ी जब्त हो रही है। मुंबई पुलिस का ये ट्वीट है, मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके भी बोला है, ये ट्वीट है मुंबई पुलिस का। ये ट्वीट में इन्होंने बताया कि 7,000 गाड़ी जब्त किया गया है। ओवर 7,000 वायलेटेड रूल्स ऑफ फेस वाइज अनलॉकिंग टू टेकिंग देयर व्हीकल आउट ऑफ नॉन ऑफिशियल नॉन मेडिकल नॉन इमरजेंसी रीजन ऑन 28 जून। वी होप दैट मुंबई का विल ज्वाइन हैंड्स विद अस एंड रिस्पेक्टिंग द नॉर्म्स इंश्योर द सिटी अनलॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये गाड़ी ये लोग ने जब्त कर लिया है, अब ये कब मिलेगा, ये लॉकडाउन खुलने के बाद मिलेगा। और इसमें ये भी बताया गया, मतलब कुछ रूल्स भी बताए गए हैं कि जो गाइडलाइंस है, पैसेंजर परमिट इन द व्हीकल, ऑल टैक्सी ऑटो रिक्शा फोर व्हीलर मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाई 3 पीपल, मतलब ड्राइवर के साथ में 2 लोग ही बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, और नो पिलियन राइडर्स अलाउडेड इन केस ऑफ 2 व्हीलर। 2 व्हीलर में पीछे की सीट को अलाउड नहीं है, सिंगल सीटर ही अलाउड है, डबल सीटर अलाउड नहीं है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो कोई भी डबल सीट अलाउड नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी कुछ एसेंशियल का काम होगा, जहाँ पे कंपलसरी मस्ट सेकंड सीटर को बिठाना कंपलसरी होगा, तो वहाँ पे वो वैलिड है। दैट डिपेंड्स ऑन मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र में बहुत जगह पे ये चल रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिगन अगेन इंटरसिटी ट्रैवलिंग मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन पुणे सोलापुर औरंगाबाद मालेगांव नासिक धुले जलगांव and other areas will be allowed. Essential activities will be allowed. मतलब वहाँ पर भी essential activities को ही allow किया गया है। और bus service में जो bus है, जहाँ पे 60 seater या 54 seater की होती है, उसमें 50% ही allowed है। मतलब जहाँ पे 50 seater का bus होता है, वहाँ पे 25 लोग को ही बैठने का, 25 लोग को ही बस के अंदर लेने का ऐसा रूल है, मतलब 50% क्राउड ही। और ये जो रूल्स है, ये मुंबई पुलिस का एक रूल्स जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये टोटली फेक रूल्स है, क्योंकि ये रूल्स मुंबई पुलिस ने इसको नकार दिया है कि ये हमने कोई रूल्स एप्लीकेबल किया ही नहीं है, तो ये रूल्स हम लोग मानेंगे भी नहीं। तो ये रूल्स को देखकर आप डरिए मत, ये रूल्स के हिसाब से चलिए मत, क्योंकि मुंबई पुलिस का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स है कि आपको 2 किलोमीटर के रेडियस पे ही रहना है, उसके आगे आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते बाय रोड। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मुंबईकर्स काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है मुंबई पुलिस से, ये 2 किलोमीटर का जो रूल्स है उस पर। और ट्विटर पे काफ़ी, मतलब काफ़ी लोग ने ट्वीट किया है। पहले यूज़र लिखते हैं, प्लीज़ हैव सम कॉमन सेंस एंड रिलीज दैट नॉट एवरी एसेंशियल आइटम आर अवेलेबल इन 2 किलोमीटर्स रेडियस इन द प्लेस ऑफ मुंबई, जस्ट डू नॉट पास ऑर्डर विदाउट यूजिंग ए आइट ऑफ रीजनिंग। मतलब इनका कहना ये है कि मतलब आप ऐसा 2 किलोमीटर के अंदर जो भी एसेंशियल चीज़ है, जैसा राशन की दुकान से लेकर हर चीज़, 2 किलोमीटर के अंदर की रेडियस में नहीं होता है मुंबई शहर के अंदर, तो हमको थोड़ा और भी दूर जाना पड़ सकता है, और इसके वजह से ये जो सज़ा है, गाड़ी पकड़ने की जो सज़ा है, ये बहुत गलत है, ऐसा बताया। दूसरे ट्विटर ने ये बताया कि मोस्ट मुंबई का फॉलो लॉकडाउन ऑर्डर्स ऑन सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, सिंसियरली 2 किलोमीटर रिस्ट्रिक्शन फॉर कार ओनर्स डज नॉट मेक सच सेंस एक्सेप्ट अनसरप्लस एलिमेंट्स हाउ आर ऑक्यूपेंट गोइंग इन फैक्ट अदर्स आउटसाइड दे डू नॉट, तो 2 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर डज नॉट मेक अ डिफरेंस। मतलब इनका कहना है कि अगर हम प्राइवेट कार में हैं, हमारी कार में है, तो 2 किलोमीटर क्यों सफर, 2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में मतलब कोई ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कार में है और हम लोग मतलब जो कानून के जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो ही कर रहे हैं, तो हमको 2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बता रहा। उसके बाद में तीसरे ट्विटर ने ये किया है, इट इज
इट इज कॉन्ट्रैक्टरी टू वॉट सी एम ए ऑफिसर सेट, माई ऑफिस इज 16 किलोमीटर अवे, इन केस वॉट शुड आई डू, आई शुड गो द ऑफिस और नॉट, इफ नो देन कैन यू से कैन यू एंड सी एम ओ महाराष्ट्र गिव अ क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लैरिटी इज अवेटेड। मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरा ऑफिस जो है वो 16 किलोमीटर में है मेरे घर से, लेकिन 2 किलोमीटर तक ही मैं सफ़र कर सकता हूँ, उसके बाद में मैं कैसा करूँ, मैं ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, ये सी एम ओ महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। उसके बाद और एक यूज़र है, वो ये लिखते हैं, यू कांट गो टू ऑफिस और विजिट डॉक्टर, मेक प्रॉपर गाइडलाइंस विद विड्रॉ दिस ट्वीट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आप डॉक्टर से विजिट करना है तो भी आपको 2 किलोमीटर अबाव ही जाना पड़ेगा, तो इसके वजह से प्रॉपर गाइडलाइंस करें या फिर हमको एक्सप्लेनेशन दें। जैसे कि हमने बताया ये जो लेटर है ये फेक है, ये सबके व्हाट्सएप में घूम रहा है, एक्चुअली फेक है, मुंबई पुलिस ने इसको नकार दिया है, तो इसके हिसाब से ना चले। तो मुंबई पुलिस का रूल है 2 किलोमीटर्स का, 2 किलोमीटर्स रेडियस का ध्यान पे रख के आप सफ़र करें। अब मुंबई पुलिस ने बहुत सारी गाड़ी भी पकड़ी है, 7,000 गाड़ी भी पकड़ी है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ियों से सफ़र ना करें, ज़रूरत पड़ने पर ही सफ़र करें, एसेंशियल हो तो ही जाए, नहीं तो नहीं जाए। अगर मेडिकल ग्राउंड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पुलिस, जो नाकाबंदी में पुलिस खड़ी रहती है उनकी एग्रीमेंट से ही आप पास हो सकते हैं, वरना आपकी गाड़ी जब्त होने के चांसेस ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से शुरू।